हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब तरह के देशों की भरमार है। कुछ देश बहुत ही खूबसूरत हैं, तो कुछ देश बहुत ही खतरनाक हैं। तो कुछ देशों के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो भैया कुछ देशों के लोग बहुत ही लड़ाकू होते हैं। हर देश की अपनी एक कहानी और इतिहास होता है। आपने दुनिया के अच्छे अच्छे देशों के बारे में तो खूब सुना होगा, और आपको लगा होगा कि हाँ, हमें भी यहाँ घूमने जाना चाहिए। पर मेरे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया के सबसे खतरनाक देश, जहाँ जाना एक गलती साबित हो सकती है। जी हाँ, वह कौन से देश हैं जो सबसे खतरनाक हैं और सबसे ज्यादा जानलेवा हैं? ऐसा देश जहाँ जाने की गारंटी तो है, पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो आज इन्हीं देशों के बारे में बताने वाला हूँ। इन देशों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं नॉर्थ कोरिया से। इस देश की पहचान सन की तानाशाहों से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग जो अपने नियम खुद बनाता है। यहाँ पर हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। 100% मत सन की तानाशाह को जाता है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति गलती करता है तो सजा उसकी 3 पीढ़ियों को भी दी मिलती है। यहाँ पर्यटकों का आकर्षण केंद्र किम जोंग इल का शरीर जो एक कांच मकबरे में रखा गया है। अगर आप एक टूरिस्ट हैं और आपको घूमना पसंद है तो इस देश में जाने का सोचना भी मत। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोकल लोगों को भी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किम जोंग सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इस देश में पॉर्न देखना गुनाह है। सूडान, अफ्रीका महाद्वीप पर कई ऐसे देश हैं जो गरीब हैं, पर शायद ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसकी हालत सूडान जैसी हो। 2011 में सूडान के 2 हिस्से किए गए, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। यहाँ पर इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है। कहने को यह देश आजाद है, पर आज भी यह देश के लोग यहाँ के तानाशाह की गुलामी कर रहे हैं। यहाँ पर सरेआम अपहरण करना, बंदी बनाकर फिरौती मांगना आम बात है, खास तौर पर विदेशियों के लिए। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में एक जैसे हालात है, भुखमरी, गरीबी। यहाँ पर विदेशों से जितनी भी फंडिंग आती है उसको यहाँ की सरकार ही हड़प कर जाती है, जिसको देखते हुए फंडिंग आना भी बंद हो गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सूडान जाना है तो अपनी यात्रा को रोक दीजिए, यहाँ आपके जान की कोई कीमत नहीं होगी। यमन, दोस्तों जब आप इस देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह देश कितना पुराना है, लेकिन आज के समय में यमन की सिचुएशन इतनी खराब है कि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। यमन की लड़ाई सऊदी अरब के साथ चल रही है। यहाँ दिन रात सिर्फ खौफ और लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है। यहाँ कब बॉम्ब और गोलियों की बारिश हो जाए किसी को नहीं पता। दोस्तों, इस देश में रहना मतलब आपकी मौत पक्की है। इस देश का एयरपोर्ट भी आतंकियों ने अपने अंडर कर लिया है। कहते हैं कि यमन बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि यह बहुत गरीब देशों में आता है। इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। इस देश में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे यहाँ के लोगों में नई उम्मीद जग सके। लीबिया, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस देश में पूरी तरह आतंकी संगठनों का हाथ है। कहा जाता है कि लीबिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसकी तारीफ की जाए। इस देश में महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं हैं। सरेआम उनके साथ बदतमीजी करना, उनकी इज्जत पर हाथ डालना, यह आम बात है। इनफैक्ट अब आप समझ ही सकते हैं कि इस देश की हालत कितनी खराब है। साथ ही कहा जाता है कि यहाँ इंसानों की 1% भी वैल्यू नहीं है। धर्म के नाम पर इस देश में लोगों को बहकाया जाता है, उसके बाद उनसे खूंखार काम करवाए जाते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ जाने का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भूल कर भी ना जाए। सीरिया, दोस्तों दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISI का देश है, और यह उनका मेन अड्डा है। इस देश में कोई भी विदेशी यात्री आने की भी नहीं सोचता। कहा जाता है कि आतंकी पूरी तरह से इस देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ की हवा में ही खून खराबा और लूटपाट है। यहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। इस देश में महिलाओं को गुलाम बनाकर गलत से गलत काम किया जाता है। आपको यह सोच के ही पसीने आ जाएंगे कि यहाँ पर लड़कियों को बेचा जाता है। अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी को खतरा है तो वह विदेशी टूरिस्ट हैं। उनको अगवा कर मार दिया जाता है।